नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं और आप न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। हम रोज आपके सामने ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार देश और देशवासियों से होता है, और आज चर्चा होगी राजनीति के रक्त चरित्र की। जी हां, सही सुना आपने, राजनीति का रक्त चरित्र। आखिर कहां जा रही है राजनीति? कहां है वो राजनीतिक मर्यादा जो विरासत के रूप में हमें गांधी, शास्त्री, लोहिया और जेपी से मिली थी? क्या बदजुबानी ही काफी नहीं थी जो ये राजनीति रक्त रंजित होती जा रही है? क्या हमारे राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की उस कविता को भूल गए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए? तो आज बात उसी राजनीति के रक्त चरित्र की। किस दौर की राजनीति में जी रहे हैं हम? चुनाव है माना, लेकिन इस चुनाव में ये क्या हो रहा है? जिसको देखो वो अपने बोलों में गुबार लिए घूम रहा है। आखिर किस युग में जी रहा है हमारा समाज, और समाज के हमारे कथित नेता कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हमें? जहाँ देखो लोगों में एक दूसरे को नोच लेने की हद तक भावनाएं उभर आई हैं। कैसा चुनाव है साहब? हाल के चुनाव ही देख लीजिए, जनता तो जनता, हमारे नेता किस हद तक पहुंच गए कि सरेआम जनता के बीच में, वो भी मंच सजाकर दूसरी पार्टी को देख लेने की धमकी। वाह साहब वाह, आप तो महान थे ही, आपकी महानता की असली रूप भी सामने आ गया। कहां रखा था आपने ये अपना मुखौटा छुपाकर? आपको तो लोगों के सुख दुख दूर करने का वायदा करना चाहिए था। गांव में स्कूल है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, रोजगार के साधन है कि नहीं, लेकिन आप तो एक दूसरे को सबक सिखाने की बात करते हो। हाल ही हुई बंगाल में चुनावी हिंसा को देखकर लगता है कि ये चुनाव तो नहीं हो सकता। और चुनाव भी तो कैसा चुनाव और किसका? बंगाल में हिंसा को केंद्रीय गृह मंत्री मुख्यमंत्री बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा दिया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ममता को तानाशाह तक कह दिया। वाह साहब वाह, नेता ही आज एक दूसरे को तानाशाह करार दे रहे हैं तो फिर जनता बेचारी कहां जाएगी? और ये चुनाव की आग आज लगाई जा रही है, वो पहुंचेगी कहां? साहब ये भी तो सोचना है क्या? बंगाल में जाने कितने ही लोगों का सिर फूट गए, सिर लाल हो गए, गाड़ियां जला दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आखिर किस लिए और किसकी खातिर? और बात अगर पूरे देश की करें तो ये दृश्य हर जगह हर गली नुक्कड़ में नजर आ जाता है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर को याद कीजिए, जाति दंगा हुआ, एक आदमी मारा गया, दलित मसीहा मायावती वहीं सभा कर रही थी, तभी लौटती हुई भीड़ पर आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियारों से लोगों पर हमला कर दिया, लोगों के घर जला दिए। ये कैसी राजनीति है साहब? जहाँ राजनीति हमें भाईचारे की बात सिखाती, एक दूसरे से मिलकर विकास में भागीदारी की बात करती, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बात केवल एक प्रदेश भर की हो, राजस्थान हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कोई राज्य अछूता नहीं। क्या हम शांति की राजनीति, भाईचारे, सद्भाव की राजनीति नहीं कर सकते? शांति होगी तो विकास होगा ना साहब? तोड़ फोड़ हिंसा होगी तो किसका और कैसा विकास कर पाएंगे? आज जरूरत है राजनीति का वर्तमान रूप बदलने की, वो व्यवस्था बदले जहां हम दूसरे से बड़ा बनने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हैं। और अगर ऐसा होता है तो विश्व गुरु का सप्ताह कैसे और किस धरातल पर मना पाएंगे? मत लड़ाओ हमें आपस में साहब, रहने दो शांति से हमें। हमें सड़कें नहीं दे सकते मत दीजिए, अस्पताल, पानी, बिजली, स्वास्थ्य नहीं दे सकते मत दीजिए, लेकिन आपस में लड़ाकर अगर आप राजनीतिक कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं तो याद रखिए इतिहास शायद ही माफ कर पाए। तो देखा आपने किस तरीके से राजनीति खून से लाल हो रही है। बात किसी भी राज्य की हो, आज बात बंगाल की हो रही है, लेकिन कल बात उत्तर प्रदेश की भी हो रही थी। राजनीति अपना स्वरूप लगातार बदलती जा रही है और रक्त रंजित होती जा रही है। तो आखिर इस राजनीति का रक्त चरित्र कौन है? इस मामले पर चर्चा के लिए, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए बीजेपी नेता शबरी मुखर्जी कलकत्ता से हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। शबरी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। शबरी जी, जो कलकत्ता में हो रहा है, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी उस पर, कि क्या कहेंगे उसको लेकर के?
देखिए कलकत्ता में जंगल का राजनीति चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जो सरकार यहाँ चला रही है, जो अत्याचार यहाँ के आवाम पे कर रही है, वो बड़ी घिन की बात है। क्योंकि वो ना किसी मनुष्य का है, ना किसी, मतलब अब ऐसा सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है बंगाल की, जैसे कि अगर आप तृणमूल हो तब आपका एग्जिस्टेंस रहे, अगर आप तृणमूल ना हो तो आप कुछ भी नहीं हो, ऐसा हालात है। और उन्होंने, शबरी जी, यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बंगाल का अगर इतिहास देखें तो पहले भी कुछ इसी तरीके का शासन था। अगर ममता बनर्जी जब सत्ता में नहीं थी, इससे पहले जब वामदल सत्ता में थे, कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर सत्ता में थी, तब भी तो इतिहास कुछ ऐसा ही कहता है बंगाल का। तो आपके लिए तो ये कोई बहुत ज्यादा नई तस्वीर तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा सिचुएशन, इतना घिनौना सिचुएशन बंगाल के आवाम कभी नहीं देखे जी। हम आपको बता रहे हैं कि पिछले भी जब वाम सरकार चलते थे तब भी लूट तराज होते थे, तब भी खून खराबा होते थे, लेकिन तब ऐसा हम आपको कह सकते हैं कि गुंडे की दुष्कृति की, दुर्नीति राज लोगों की दौर नेता के हाथ में थे। लेकिन अब 7 साल से ममता बनर्जी का सरकार आने के बाद ऐसा बात है कि दौर चले गए, वो दुष्कृति के हाथ में चले गए दौर, अब गुंडा के ऊपर राज्य की दौर पहुंच गए ना, तब जो हाल होता है वही हाल है बंगाल की जी। बस कल ऐसा हुआ। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे चर्चा करेंगे इस पर, आपकी प्रतिक्रिया लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सीपीआईएमएल से डीके छंगानिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है छंगानिया साहब आपका न्यूज इंडिया में। पहली बात तो आप गलती सुधार लीजिए, मैं एमएल का नहीं, सीपीआई का ही हूं खाली। अच्छा अच्छा, पार्टी ऑफ इंडिया, क्षमा चाहता हूँ सिंघानिया जी। आपकी छंगानिया जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले, किस चीज में प्रतिक्रिया चाहते हो आप? राजनीति लाल होती जा रही है, जो बंगाल में हो रहा है, जो कलकत्ता में हो रहा है, केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार आमने सामने है। आप एक लंबे तो, समय तक वहां पर सत्ता में रहे थे, आप क्या कह रहे हैं फिलहाल? यहाँ की स्थिति को देख करके आश्चर्य होता होगा, पर मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है जी। मैं कलकत्ता तो 60 से जाने लगा हूँ, और कलकत्ता में मैंने सिद्धार्थ शंकर रे के टाइम का भी देखा है समय जी। जब आप दिन के टाइम में हर 5 मिनट के अंदर में धमाके हुआ करते थे जी। और हर जगह गोलियां चला करती थी जी। और उसके बाद में सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार के बाद में जब कम्युनिस्ट सरकार आई, तो मैं समझता हूँ वो सबसे ज्यादा पीसफुल पीरियड था, वाम पंथ का जो पीरियड था वो सबसे ज्यादा पीसफुल पीरियड रहा है वहां पर। और अच्छा। वहां पर इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है जी। पर ऐसा है कि बंगाली जो होते हैं वैसा भी अपने अपने विचार रखने के लिए प्रसिद्ध हैं, और अपने विचारों के साथ समझौता, जो स्ट्रांगली दे फील स्ट्रांगली अबाउट देयर व्यूज, तो अपनी बात को रखने के बारे में वो निश्चित रूप से कड़क तरीके से रखते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे कोई हिंसा हिंसा ही कोई साधन हो जी। और आजादी की लड़ाई के टाइम में भी आप जानते हो वहाँ पर तो इसी तरह की विचारधारा पंकिम चंद्र से लेकर के और शरद चंद्र से लेकर के आपने अगर इतिहास पढ़ा हो जी, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं जी। अभी जब ममता आई है तो ममता ने जो कुछ अभी किया है जी, वो अपने इतिहास को देख करके किया है, हम इसकी निंदा करते हैं जी, ये ठीक नहीं है जी। कारण कि अपने आप को, छंगानिया साहब, शबरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से, एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शबरी जी, सुना आपने जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि कोई इन्हें आश्चर्य नहीं है, बंगाल के इतिहास को लेकर के इन्होंने बता दिया कि किस तरीके का था और जो इनका शासन काल था वो कैसा शांतिपूर्ण था। अब आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि नहीं, अब आप क्या? देखिए देखिए, मेरा उम्र जो है वो वाम सरकार के पहले हम जानते नहीं थे, क्योंकि हम पैदा हुआ है, मेरा उम्र 40 साल है, तो हम उससे पहले की समय क्या थे हम जानते नहीं है। हम अपने पैदाइश और हो संभालने के बाद के बात हम कर सकते हैं आपको। तो हम जितने जितने बड़े होते रहे, तो जितना जितना देखते रहे कि कभी ये पता भी नहीं चलता था कि जो चुनाव होता है, कि सोचिए बंगाल में कभी कॉरपोरेशन चुनाव या सोचिए कि पंचायत चुनाव होता था तो क्या होता था, इतना खबर भी नहीं होता था। लेकिन तृणमूल सरकार आने के बाद पंचायत चुनाव में इतना खून बहता है, इतना मारपीट होता है लड़कियों पे, खास तरीके से महिलाओं के ऊपर इतना हिंसा होते हैं, तो मेरे पूर्वजों ने जो कहा कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, तो ये सत्य में आश्चर्य की बात है। मतलब आप ये सोच सकते हैं बंगाल की राजनीति तृणमूल सरकार के हाथ आने के बाद
ये नवम आश्चर्य बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को बाल पकड़ के मारा जाता है, इसलिए ताकि वो पंचायत शबरी जी, अपना आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद चौधरी जी। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी धन्यवाद। तो आपने अभी बीजेपी को सुना कि किस तरीके से जो बंगाल में चल रहा उसको लेकर के शबरी मुखर्जी जी अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। हमारे साथ डीके छंगानिया साहब सीपीआईएम से जुड़े हुए हैं, वो भी निंदा तो कर रहे हैं लेकिन वो बता रहे हैं कि उनका जो शासनकाल था, जो जब वाम सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी बंगाल में, तो बहुत शांतिपूर्ण था। कांग्रेस वेट एंड वॉच की राजनीति कर रही है बंगाल में। फिलहाल जो चल रहा है कलकत्ता में, जो तमाशा चल रहा है, मैं तो इसे तमाशा ही कहूंगा, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे चौधरी साहब? नहीं देखिए, कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ, जिसके साथ भी हुआ, वह शोभनीय नहीं था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन वहां पर एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस वह जो परिस्थितियां पैदा हुई है वह बीजेपी के कारण हुई है। जब कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप चुनाव के समय में जाके कहिएगा कि कोई वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, उसका 40 विधायक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो हम आपकी सरकार को तोड़ देंगे, हम आपको ये कर दे, तो हो सकता है कि यह जनताओं का भी रिएक्शन हो। तो इसीलिए इस चीज की शुरुआत बीजेपी के तरफ से हुई है। तो अरविंद जी सवाल ये है कि क्या अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां चुनावी सभा करने की इजाजत नहीं है, रोड शो करने की इजाजत नहीं है बंगाल में? नहीं नहीं, इजाजत क्यों नहीं है, लेकिन इस चीज की इजाजत नहीं है कि किसी भी लोगों, किसी भी स्टेट में इलेक्टेड सरकार को चुनाव के समय में प्रधानमंत्री के द्वारा ओपन रूप से तोड़ने की धमकी देंगे कि हमारा उसका 40 विधायक मेरे साथ है, चुनाव के बाद वो 40 विधायक मैं तोड़ लूंगा, मैं ये करूंगा। ये किसी भी सरकार का या खास के प्रधानमंत्री जैसे पद का या नैतिक अधिकार नहीं है और उनका नैतिक कर्तव्य भी नहीं है और लोकतंत्र की मर्यादा भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने पहले जाके वहां पर मर्यादा तो तोड़ा। इसका मतलब है कि जो वहां की सरकार है उसके जो समर्थक हैं वो सड़क पर आकर के और केंद्र सरकार के समर्थकों को आकर के और उन्हें पीटे? नहीं नहीं, उसके सरकार की समर्थक और मेरे सरकार की समर्थक की बात नहीं है जी। जब आप लोकतंत्र की मर्यादा को लोकतंत्र की मर्यादा के लिए चुनाव आयोग है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, बकायदा है कि इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप जाकर के शिकायत करिए, या सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे? नहीं नहीं, सड़क पर गुंडागर्दी, मैंने पहले ही कहा, सड़क पर किसी भी तरह के गुंडागर्दी का किसी भी दल द्वारा किया जाएगा वह निंदनीय है। लेकिन वहां पर तृणमूल के भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी के भी बीजेपी के लोग ने पहली बार जो है सो प्रधानमंत्री ने वहां सरकार तोड़ने की धमकी दी, वहां का तृणमूल के वर्कर या आम जनता भी अग्रेसिव हो सकती है, जिसके कारण वहां पर इस तरह का स्थिति, विषम स्थिति पैदा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी का पूर्व ट्रैक इतिहास रहा है, वह गुजरात में रहे हैं, हिंसा करा के सत्ता में बने रहे हैं, वह हिंसा करके सत्ता डिविजन करके सत्ता में बनने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसी को वो बंगाल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी इसी बात पर छंगानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। छंगानिया साहब, आपने मुखर्जी जी को सुना बीजेपी से, आपने अरविंद चौधरी साहब को सुना कांग्रेस से, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में है, जब अरविंद केजरीवाल मीटिंग की परमिशन मांगते हैं तो उनको परमिशन रद्द कर दी जाती है, और अगर ममता अगर किसी की परमिशन रद्द कर दी जाती है तो उसके बारे में आपको आश्चर्य होता है। ये सत्ता में जो होता है, अपने खिलाफ में अगर कोई बोलने वाला है तो उनको करटेल करने की परंपरा तो बीजेपी ने पहले चालू की है दिल्ली के अंदर में। अब उनको अगर कलकत्ता के अंदर में उसी चीज को फेस करना पड़ रहा है तो दुख क्यों होता उनका? नहीं, रैली की इजाजत नहीं देना एक बात है, लेकिन जो मंच बने हुए उन मंचों को जाकर के तोड़ देना, अगर किसी विशेष दल के समर्थक सड़क पर आ रहे हैं उनके साथ मारपीट करना, ये जो तस्वीरें जो बिना परमिशन के लंच लगाने मंच बनाना ही नहीं चाहिए। अगर बिना परमिशन के मंच बनाएंगे तो नेचुरली सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। पर हम इस चीज की अवश्य निंदा करते हैं कि इतिहास के अंदर में सबसे विद्यासागर जैसे आदमी की मूर्ति को गिरा देना। नहीं, और गानिया साहब, अगर सरकार एक्शन लेगी तो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां का मंच हटाएंगे या पुलिस जाएगी मंच हटाने के लिए? अगर सरकार ने परमिशन नहीं दी है तो पुलिस ही जाएगी। पुलिस जाएगी ना, तो यहाँ तो कार्यकर्ता जाकर के और मंच पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक बंगाल की परंपरा रही है, जब जिसका साधन उसके कार्यकर्ता जाके कानून अपने हाथ में लेते हैं, जिस तरीके से बीजेपी के लोग
किसी की हिंसा करने के लिए चले जाते हैं और कानून हाथ में लेते हैं, जैसे गाय का प्रश्न होता है या मीट का प्रश्न होता है तो वो जाकर के अपने हाथ में ले लेते हैं। तो जब वो बाहर दूसरी जगह करते हैं तो उनको कलकत्ता में अगर वो उसी तरह से ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है तो उनको आश्चर्य क्यों होता है? चलिए बिल्कुल, यानी कि ये बंगाल की परंपरा रही है जिस तरीके से छंगानिया साहब बोल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राजनीति के रक्त चरित्र पर चर्चा जारी रहेगी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और राजनीति के रक्त चरित्र पर हम चर्चा कर रहे थे हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी और सीपीआई से, तीनों से अपने प्रतिनिधि इनके जुड़े हुए हैं। और हम ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे सीपीआई के जो हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हैं उनसे, और वो बता रहे थे कि ये बंगाल की एक हमेशा से एक जो सिस्टम है बंगाल का वो ऐसा ही रहा है। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रही थी कि बंगाल में ऐसा सिस्टम था लेकिन बिल्कुल इस तरीके का सिस्टम नहीं था। शबरी जी क्या कहेंगे? अभी आपने छंगानिया साहब को सुना है, कांग्रेस को भी आपने सुना है। देखिए सुनिए, पहले तो जो बात मुझे कहना है कि लोकतंत्र की बात कर रहे थे वो बंगाल में बैठ के हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बंगाल में कोई लोकतंत्र है ही नहीं। ममता बनर्जी लोकतंत्र के बारे में कुछ जानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सैराचारी सरकार चलाती है कि उनके मुंह के विरोध कोई करे तो उनको जीने नहीं देते हैं। वो एक सिनेमा आप बना नहीं सकते, जो अपने मन के एक आर्टिस्ट अपना खोल के अपना विचार रख नहीं सकते सिनेमा के दौरान। अगर वो विरोध कर लिए सरकार की तो उसको बंद किया जाता है, उसको रद्द किया जाता है, ऐसा सरकार चलाती है। तो जिस दल में गणतंत्र नहीं है तो वो लोकतंत्र के बाद वहां बैठ के हम लोग कैसे कर सकते हैं? नंबर वन। नंबर टू है कि उन्होंने मेरे पिछले वक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे धमकी दी है। अरे ये तो हम लोग युद्ध में है, वोट एक युद्ध है, तो निर्वाचन के समय हम लोग दूसरे हमारे ऑपोजिशन को तोड़ने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन वो मुंह से वो बोल के हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जो ये फील है कि हम दूसरे की उम्मीद को, दूसरे की साहस को, हिम्मत को हम तोड़ेंगे। लेकिन लेकिन तो आपके आप लेकिन लेकिन हमारे कार्यकर्ता कभी जाके मौखिक जिस बात जो बात आप कह रही हैं मुंह से, यानी मौखिक जो बात कह रही हैं कि मौखिक हम बोलते हैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं नहीं, इसकी भी तो एक मर्यादा होती है लगातार। जरूर मर्यादा है, लेकिन देखिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कभी ऐसा कुछ बात वो कर ही नहीं सकते जो मर्यादा का खिलाफ हो, क्योंकि वो भारत पर आरोप तो लगते रहते हैं। देखिए आरोप लगा कौन रहा है? ये नहीं अभिषेक जी, ये आरोप लगा कौन रहा है ये भी देखने वाले बात है। अच्छा। कि आरोप कौन लगा रहे हैं? तो हम लोग जो मतलब जो गलती में है हम उसी के मुंह पे, तो हम आरोप के बात नहीं सुन सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। जो जो बंगाल में हम दूसरे तो स्टेट में बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप युद्ध में हैं, अगर आप चुनाव में हैं तो विकास की बात कीजिए ना, आप बात कीजिए कि आप वहाँ पर विकास लाएंगी, आप वहाँ पर सड़कें देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, पार्टी तोड़ने की जो बात आप जो पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है ना, पार्टी तोड़ने की बात ऐसे नहीं होता है। बात ये होता है कि देखिए ममता बनर्जी जैसे बात करते हैं, वो जो हम लोग बंगला में बात कर कहवत है हम लोगों को कि जो उद्धतो जैसे कि अपने किसी को सामने वो देख नहीं पाते। अच्छा। तो कभी कभी वो उसके की हम जैसे बोलते हैं कि बाबा का भी बाबा होता है, तो ये जस्ट हम लोग बोलते हैं ऐसे। बोया हुआ आग है वो उसको बीजेपी झेल रही है। आप बीजेपी को क्या करने में क्या दिक्कत है? एक बार अरविंद का सुन लेते हैं क्या कि हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता को गोली मार दिया गया जिससे कांग्रेस को वोट दिया था, फोर फोर करके आए से ये चल बात करते हो ऐसे। तो बीजेपी के द्वारा हर समय हिंसा की राजनीति और हिंसा के द्वारा डिवीजन और डिवीजन के द्वारा वोट का पोलराइजेशन और राजनीति करती है। बिल्कुल यहाँ यहाँ माहौल गर्म है। छंगानिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीपीआई से, एक बार छंगानिया साहब की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सीपीआई से छंगानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छंगानिया साहब आप यहाँ पर सत्ता में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर विकास की बातें क्यों नहीं हो रही है? चाहे टीएमसी की बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात कर रहे हैं, विकास कहाँ है? अभी मैडम कह रही थी इंटॉलरेंस के बारे में कि वहाँ पर इंटॉलरेंस है। हमने तो देखा है भारतीय जनता पार्टी का कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ में कितना इंटॉलरेंस बीजेपी में है। कुलबरी गई, गौरी लंकेश गई, हमारे नरेंद्र दाभोलकर गए,
इनको मार दिया, वो इसलिए मार दिया कारण की वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग जिस आइडियोलॉजी को सहन नहीं कर सकते उनको लिक्विडेट कर सकते हैं। और ये अगर ममता बनर्जी भी करती है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम कहते हैं कि ये इस तरह आइडियोलॉजी की बात अभी छोड़ देते हैं, हम आइडियोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं कि आखिर वो विकास है कहां, जिसकी बात होनी चाहिए। विकास की बात अगर किसी ने की है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर में की है। बाकी जितने भी दल हैं उन तमाम दलों ने कोई विकास की बात नहीं की है, टेम्पररी ऊपर के इश्यूज को उठा करके लोगों के सामने रखा है, यानी बेकारी को रोज खत्म करने की बात, या जो सबसे डाउन टूडेंट क्लास है वर्किंग क्लास उसके लिए कोई भी वेज रिवाइज करने की बात, या यानी आपका आपका मैनिफेस्टो विकास वाला है। चलिए अरविंद चौधरी साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। अरविंद जी, जो बंगाल में हो रहा है क्या आप उसकी निंदा करते हैं? अगर करते हैं तो आप खुले मंच पर बोलिए कि हाँ आप इसकी निंदा करते हैं। निंदा करते हैं। और हमने हमारी पार्टी तो स्वतंत्रता के समय में भी हिंसात्मक राजनीति नहीं की, तो हिंसात्मक राजनीति की हम हर समय निंदा करते हैं, इसमें निंदा में कोई। और मैं टीएमसी ने जो हिंसा की आप उसकी भी निंदा कर रहे हैं ना? बिल्कुल, बीजेपी की हिंसा की निंदा, हिंसात्मक राजनीति की मैं निंदा करता हूँ। यानी कि टीएमसी के साथ आप महागठबंधन में जाते हैं तो भी आप उनकी निंदा कर रहे हैं ना? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। हिंसा कोई भी करे, यदि कोई कांग्रेसी ही करे तो उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ टीएमसी की आप निंदा करते हैं नहीं करते हैं, हाँ या ना? आज टीएमसी हमारे गठबंधन में नहीं है और टीएमसी के ना तो हम प्रवक्ता है और टीएमसी के द्वारा किसी भी विचार को मैं नहीं, टीएमसी के पार्टी के बारे में या का क्या सोच वो नहीं, मैं कांग्रेस के तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हिंसा की राजनीति का कांग्रेस निंदा करती है। एक लाइन में मैं आपको तो यह स्पष्ट कर दिया। क्या राहुल गांधी खुले मंच से खुले मन से इस हिंसा की निंदा करेंगे? क्या राहुल गांधी खुले मंच से और खुले मन से इस हिंसा की निंदा करेंगे? वो सब दिन से हिंसा की निंदा कर रहे हैं, आज क्या मैंने स्पेशल हर एक चीज के लिए खुला मंच, वो सब दिन हिंसा की निंदा किए हैं। आज तक कभी आप सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने किसी हिंसा के बारे में पॉजिटिव बोला हो? वो सब दिन हिंसा की राजनीति की निंदा किए हैं। ये कांग्रेस का बेसिक आइडियोलॉजी है, यदि हिंसा की राजनीति की जिस दिन उस दिन कांग्रेस ही नहीं रहेगी। तो आप हिंसा की निंदा कर रहे हैं लेकिन हिंसा वाली पार्टी के साथ महागठबंधन में जाने को तैयार है? भविष्य की चिंता अभी नहीं, अभी चुनाव हो रहा है, अभी चुनाव की बात है और जो अभी घटना घटी है उस पर मेरा केवल प्रतिक्रिया है। अच्छा चलिए, अच्छा एक सवाल और है कि विकास की बात आपकी पार्टी भी क्यों नहीं कर रही? बात आरोप प्रत्यारोप तमाम बदजुबानी सब कुछ चल रहा है लेकिन विकास की बात कहीं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही, आखिर अब सर आप तो एंकर हैं और मीडिया से हैं। हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और पूरे वर्ष में केवल विकास की बात की है, आरोप प्रत्यारोप तो का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कौन सा आरोप लगा है? जो सच है उसको मैंने बताया है, वो अपोजिशन का काम है कि ये घटना हुआ, ये दुर्घटना हुआ, तो अपोजिशन पार्टी में होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि हम सरकार के गलतियों को उजागर करें। ये आरोप प्रत्यारोप तमाम अपोजिशन पार्टी होती ही इसीलिए है कि सरकार की गलतियों को उजागर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। शबरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ढंडानिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सियासत के रक्त चरित्र, राजनीति के रक्त चरित्र की बात हो रही थी, अभी आपने सुना बीजेपी कांग्रेस और साथ में सीपीआईएम तीनों के प्रतिनिधि हमारे साथ थे और जिस तरीके से हमने बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के इनकी चर्चा थी, विकास शायद इनके जो पैरामीटर्स हैं उसमें कहीं भी नहीं है। बहरहाल इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अतुल एहसान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनके साथ जुड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अतुल जी, सबसे पहले तो राजनीति के रक्त चरित्र की बात हो रही है, अभी हमने जिस तरीके से सुना सभी राजनीतिक दलों को और जो बात सामने आई कि विकास तो शायद आज चर्चा में कहीं पर है ही नहीं, तो क्या कहेंगे इस राजनीतिक रक्त चरित्र को लेकर के? आखिर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं जो फिलहाल चल रहा है इस पूरे सिनेरियो?
देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति का जो रक्त चरित्र है वो कहीं ना कहीं अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बंगाल की बात आप कर रहे हैं, खासकर बंगाल की बात को छोड़िए, इससे पहले अगर यूपी जाएं, बिहार जाएं या दिल्ली तक चले आएँ, अगर आपको ये लगता है कि क्या ये रक्त चरित्र पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, है, चाहे मानसिक प्रताड़ना के साथ है या चाहे लहूलुहान करने की बात है, कहीं ना कहीं एक चीज़ जो सामने नज़र आती, क्यों राजनीतिक पार्टियाँ अब इतनी उतारू हो गई है या इस तरीके से सब कुछ करने के लिए जायज करना लगी है कि क्या वाकई में लोगों को डरा के, धमका के या किसी भी तरीके से चोट पहुंचा के अपनी बात रखेगी? बात रखने के अपने एक सलीके हैं, चाहे जिस तरीके से आप बंगाल की बात कर रहे थे, अगर बंगाल में अगर हम जाएं तो ममता बनर्जी के द्वारा किए गए कल के उस सारे वाक्य को, जो खासकर मैं एक इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि जहां सीधे एलिगेशन आ रहे हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ही ये सारी हरकतें की है, अब ये क्या है? ये सबसे बड़ी बात सोचने की है, आम जनता को ये सोचना पड़ेगा कि वाकई में राजनीति इतनी घिनौनी हो गई है। मैं एक शब्द काम में ले रहा हूं कि राजनीति क्या इतनी घिनौनी हो गई है जिसके कारण कि आम जनता या उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको ये सब सोचना पड़े कि सड़कों पे हम सुरक्षित हैं या नहीं है, अगर कोई रैली निकल रही है तो कि हमें निकलना है या नहीं निकलना है, कब क्या हो जाएगा, ये सोचने की बात है। अगर ये सोचने के मुद्दे अगर इस देश में आने लगे तो राजनीति कहीं ना कहीं अब भ्रष्ट होती जा रही है या राजनीति में कहीं ना कहीं वो लोग आ गए हैं जिन लोगों को नहीं आना चाहिए। अभिषेक जी बिल्कुल, अतुल जी, अगर इस देश की परंपरा की बात की जाती है, वाजपेयी जी की परंपरा हमें याद है कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। इंदिरा गांधी को काउंटर पार्ट किया था जेपी ने, लेकिन मंच से जो सभ्यता झलकती थी उनके भाषणों में, आज तक कभी भी ये जो लड़ाई थी वो पर्सनल नहीं गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो मौखिक जो वार हो रहा है वो भी ऐसा ऐसी इसकी पराकाष्ठा हो गई है कि शायद अब राजनीति के बारे में बात परिवार के साथ आप बात भी नहीं कर सकते। तो आखिर राजनीति जो है ये गर्त में इस तरीके से जा रही है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सत्ता लोलुपता इतनी हावी हो चुकी है कि जबान जो है वो बदजुबानी में तब्दील हो चुकी है? अतुल जी देखिए, अभिषेक सबसे बड़ी बात क्या है, इस पिछले 5 सालों में जिस तरीके से विपक्ष को हावी होने की कोशिश करी तब तक विपक्ष हावी नहीं हो पाया, परंतु इन पिछले 5 सालों में जनता ने क्या देखा? मॉब लिंचिंग देखी, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता देखी, धर्म के नाम पे बढ़ते हुए लोग देखे, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बेरोजगारी दिखी, ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो गई, और जब ये एक जगह इकट्ठी हो गई तो ये आक्रोश में बदल गई। अब एक चीज ये देखिए कि एक तरफ से एक जुमला उछाला जाता है चौकीदार चोर है, दूसरी तरफ से एक जुमला उछाला जाता है कि जेब कतरे हैं, कहीं से नीच शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं पे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक समय था जब ये कहा जाता था कि ये फिल्म अपने बच्चों के साथ बैठकर ना देखें, परंतु मेरे ख्याल से जिस तरीके से राजनीति में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, शायद आप ड्राइंग रूम में बैठकर भाषण सुनने के लायक भी नहीं रहे हैं। जिस तरीके के शब्द काम में लिए जा रहे हैं, क्या ये शब्द आक्रोश पैदा नहीं करते हैं? वाकई में आक्रोश पैदा करते हैं, क्योंकि राजनीति अब इतनी घिनौनी अगर हो जाती है कि वहां पर शब्दों के भान नहीं रहते तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश पैदा होता है, और पब्लिक में ये आक्रोश आना स्वाभाविक है, और अगर ये आक्रोश है तो फिर सड़कों पर लहूलुहान होना, रकरंजित होना, ये सारा लाजमी है। अभिषेक बिल्कुल अतुल, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, जिस विकास को लेकर के सरकार पिछली बार सत्ता में आई थी, जिस विकास को लेकर के चुनाव लड़ना जाना चाहिए, बिजली की बात, पानी की बात, शिक्षा की बात, सड़क की बात, शायद ये सारी बातें हो ही नहीं रही हैं। आप किसी भी बड़े नेता की रैली को देख लीजिए, शुरुआत के 15 मिनट में शायद विकास की बात हो तो हो, अगर वो भी ना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आखिर ये विकास कहाँ चला गया, आखिर इस विकास की चर्चा हो क्यों नहीं रही है? देखिए, ये इस बार हर बार हम चर्चा करते रहे हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कि इस बार विकास के मुद्दों पे बात नहीं हो रही, भौतिक मुद्दों पे बात नहीं हो रही, सारी की सारी बात जितनी भी हो रही है वो भावनात्मक मुद्दों पे बात हो रही है। ये चुनाव की जो लड़ाई शुरू हुई वो सर्जिकल स्ट्राइक से शुरू हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं बढ़ती बढ़ती गाय तक आ गई। अब एक हरिशंकर परसाई ने एक बात कही है कि गाय हिंदुस्तान में दूध देती नहीं, वोट देती है। तो ये जो एक कहानी कहाँ पर समझ में आती है कि क्या ये छोटे छोटे मुद्दे जो विकास के मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, अस्पताल के मुद्दे हैं, बाकी पानी के मुद्दे हैं, ये पानी के मुद्दे, ये सारी जहां बिजली चाहिए लोगों को वो बिजली नहीं पहुंच रही, लोग अभी भी अंधेरे में कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना कहाँ तक पहुंची? मॉनिटरिंग नहीं हो रही इन सारी चीजों की। योजनाएं बहुत बनी इन पिछले सालों में, बहुत सारी योजनाएं बनी, क्या ये आम आदमी तक पहुंची, आदमी के वो आखिरी इंसान तक पहुंची जहां तक पहुंचनी चाहिए? अगर नहीं
नहीं पहुंची तो सरकारों की इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं गई? अब आपने कहा कि विकास के मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही, आपको लगता है कि विकास के मुद्दों पे कभी वोट मिले हैं इस देश में? आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या विकास के मुद्दों पे कभी वोट मिले हैं? केवल एक शब्द काम में ले रहा हूं, केवल लारी लप्पे, केवल लारी लप्पों पे वोट मिले हैं। कौन 2014 देख लीजिए, 2014 में जिस तरीके से मोदी जी ने जिस तरीके से भाषण दिए थे लोग प्रभावित हुए थे। 2014 में पूरे देश में एक तरीके से क्रांति आ गई थी मोदी जी को लेकर। इस बार भी मोदी जी के लिए क्रांति जिस तरीके से बनाई जा रही है कि इस बार फिर मोदी सरकार, ये जो एक चेहरा बन गया है उस चेहरे को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए विकास देश की राजनीति था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि विकास तो कभी मुद्दा था ही नहीं जब भी राजनीति हुई है। बहरहाल टीएमसी से सोहराब अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सोहराब साहब आपका, और साथ में सुभाष जी बीजेपी से भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। पहला सवाल सोहराब साहब आपसे, जो कलकत्ता में हो रहा है, जो कलकत्ता में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, कौन जिम्मेदार? सीधे सीधे बीजेपी जिम्मेदार, अमित शाह जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार हैं। लेकिन 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 तमाम अभी बीजेपी वामदल सब जुड़े हुए थे, सब आपको आपकी निंदा कर रहे थे, यहाँ तक कि कांग्रेस भी आपकी निंदा कर रही थी। अभी कैसे घुसे कॉलेज के अंदर? अभी कैसे घुसे? ये बात गलत है। अब जो घटना हुई है इसमें बीजेपी की साजिश है, और बीजेपी के साजिश के कारण जो कल का घटना हुआ है। नहीं लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि भाई आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोड शो करने की इजाजत नहीं है बंगाल में? बिल्कुल है, बिल्कुल रोड शो कर ही रहे थे जी। लेकिन उनके कार्यकर्ता ही तो झमेला किया, उनके तो कार्यकर्ता ही नहीं झमेला किया रोड। यूपी के मुख्यमंत्री ये सभा करने जाते हैं और आपके कार्यकर्ता मंच तोड़ देते हैं, ये भी आरोप है? ये सब बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। वो खुद ही बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये पूरा प्री प्लानिंग मोदी जी और अमित शाह का प्री प्लानिंग है बंगाल को डिस्टर्ब करना। कभी भी बंगाल में इस तरह का जब चुनाव में कभी नहीं हुआ जिस तरह से इस बार हो रहा है। बिल्कुल सोहराब साहब, सोहराब साहब, सुभाष सरकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है। सोहराब साहब को सुन रहे हैं, सुभाष सरकार जी बहुत बहुत स्वागत आपका, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार। ममता बनर्जी ने सारे प्रदेश में एक भी सभा की अनुमति, एक सिंगल चांस में अनुमति नहीं मिलते। हम जब दबा के लड़ते थे तब अनुमति मिला, कई जगह में अनुमति नहीं मिला, बालेश्वर में अनुमति, हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं दिया हमारे, बांकुड़ा में पहले जो मार्च था उसका अनुमति नहीं दिया था, बाद में जो मार्च मिला है तो अच्छा हो गया, उन्होंने रुकने की कोशिश की। सुभाष जी बड़ा मार्च हमको अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ यहाँ एक बात, एक सवाल, एक बात सुनिए, एक सवाल जोड़ना चाहूंगा कि यही चीज जब केजरीवाल जी के साथ आप लोग करते हैं तो वो चीज सही होती है, और ममता जी आपके साथ कर रही है तो वो गलत हो गई? नहीं नहीं, केजरीवाल जी के साथ हमें ऐसा कभी नहीं किया, हम केजरीवाल जी के साथ ऐसा कभी नहीं किया। यह क्या होता है देखिए ना, 65 आदमी को खून हो गया पंचायत चुनाव में, जो सारे संख्यालघु है, दलित है, कुल मिलाकर 90 से ऊपर मर्डर हो गया। ये तो चल रहा है ना, हर चुनाव जिस 6 दफा चुनाव है हर में अटैक हुआ, हर में बूथ कैप्चरिंग हुआ, ये तो चल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज उनके विरोधी लोगों के सभा करने देने की अनुमति के लिए इंतजार कर दिया, और प्लानिंग करके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को रोड शो को रोकने का, और वहाँ एक ऐसा परिस्थिति निर्माण किया जैसे भी सांप्रदायिक दंगा लगाने की भी एक इजाजत किया ना, वहाँ से 10 एकड़ कॉलेज के अंदर से ईंट पत्थर दिया और जो दशगर की मूर्ति घर के अंदर है। बिल्कुल सुभाष जी, सुभाष जी हमारे सहयोगी अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं, सोहराब साहब से भी सवाल लेना चाहते हैं। जी अतुल। मेरा खासकर सवाल टीएमसी के जो हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं अभिषेक, अगर मेरी आवाज उन तक जारी है तो उन तक ये पहुंचे, क्या ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या डर है आप लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के उन सारे नेताओं जो भी आना चाहते हैं, आज जैसे कि योगी आना चाहे तो आपने स्टेज तोड़ दिया, कल यहां दंगा फसाद किया, क्या आपके पास विकास के मुद्दे नहीं है, या क्या आपको इस तरीके का डर है कि आप वापस नहीं आ पाएंगे इसलिए ये सारी हरकतें की जा रही है? जी सोहराब साहब सुन सकते हैं अतुल जी की आवाज तो नहीं आई,
जी, अतुल अतुल जी का सवाल है, अतुल जी का सवाल है कि आखिर वो कौन सा डर है जो बीजेपी के नेताओं को आप लोग वहां सभा नहीं करने दे रहे। बंगाल में योगी जी का मंच तोड़ दिया जाता है, अमित शाह रोड शो करते हैं तो वहां पर आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं, आखिर ये डर कौन सा है? अरे डर के कुछ नहीं है, डर क्या चीज का रहेगा जी, डरने का क्या चीज है, डर तो वो लोग रहे हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल का, मतलब सभ्यता को खत्म। अरे पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब करने की बात ही नहीं है, किस बात पे डिस्टर्ब करेंगे वो पश्चिम बंगाल को? आप लोग इतने सालों से राज कर रहे हैं उसके बाद पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब क्या करेंगे? अगर बीजेपी के नेता आकर अपनी बात रखते हैं तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? एक मुद्दा तो बता दीजिए, एक मुद्दा तो बता दीजिए कि उसमें डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं आप, मुद्दा तो बताइए कि इस मुद्दे को लेकर के आपको डिस्टर्बेंस आ रही है। बिल्कुल, कल का जो मुद्दा है, कल का आपने देखा कि किस तरह से हम लोग छात्र लड़कों को किस तरह से मारा गया है, छात्रों को मारा गया है, मूर्ति तो अच्छा बाबुल सुप्रियो वाली कहानी में आप क्या कहेंगे? बाबुल सुप्रियो के टाइम में जब मजबूर सैन और बाबुल सुप्रियो की जिस दिन चुनाव था उस दिन जिस तरीके से दंगाई हुई, वो मुर्शिदाबाद के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पर भी तो आप ही लोग थे। नहीं, मुर्शिदाबाद आसनसोल ये सब बात नहीं है, मतलब बात साफ सुथरा है। नहीं, बात को टालिए मत, सीधा सीधा आ जाइए मुद्दे पर, बात को टालिए मत। मैं ये कह रहा हूँ मुर्शिदाबाद और आसनसोल में तो आप लोग ही थे, बाकायदा आपके ऊपर सारे पुलिस वालों ने बोला है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही सारे के सारे गुंडागर्दी काम किया। चलते हैं सिद्धांत पे चलते हैं, सुनिए टीएमसी के, सुनिए 12 तारीख करते हैं, ये सरासर इल्जाम है। कल की जो घटना है वो क्या है, कल की घटना है वो क्या है, आज योगी का स्टेज तोड़ना वो क्या है? एकदम बिल्कुल गलत है, ये किसने किया? और फिर आज ममता बनर्जी ने धमकी क्यों दी? फिर ममता बनर्जी ने धमकी क्यों दी, कारण क्या था धमकी देने का? बीजेपी खुद करता है ये सब। अच्छा ठीक है, ममता बनर्जी को धमकी देने के लिए तो बीजेपी ने नहीं उकसाया, या ममता बनर्जी को बीजेपी ने तो नहीं कहा कि आप धमकी दीजिए? बिल्कुल नहीं, ममता बनर्जी धमकी दी है। आज आपने पढ़ा, आज आपने सुना ममता बनर्जी को? एक एक इंच जगह हम लोग नहीं छोड़ेंगे बीजेपी के लिए, बीजेपी जितना भी ताकत लगाए पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं छोड़ेगा। अरे मान लेते हैं अगर आपके पास विकास के मुद्दे हैं आप मत छोड़िए एक भी सीट, परंतु ये रक्त चरित्र इस तरीके से रक्त की कहीं से सनी हुई राजनीति तो मत करिए। हमको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को एक भी सीट मिलने नहीं जा रहा, इसके लेकर भविष्य की बात है कि बीजेपी को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीएमसी को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चर्चा तो इसे लेकर के है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है सब बीजेपी दंगाई करवा रहे हैं, पर सरकार में तो आप हैं, अगर आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं तो ये तो आपका फेलियर हुआ ना, ये तो अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर में है ना, चल जाएगा। अगर एक सेकंड अभिषेक, अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है तो फिर आप क्यों लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं? टीएमसी के लोग क्यों लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं? कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले रहा, ये टोटल बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं। तो कल की मारपीट किसने की? कल लॉ एंड ऑर्डर लागू है, आपने देखा होगा आप अभी यहां के जो पुलिस ऑफिसर्स एक चीज मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद में जो लोग हथगोले फेंक रहे थे वो तो टीएमसी के लोग थे, उनको तो पहचाना गया, उनकी तो शिनाख्त की गई हथगोले फेंकते हुए पिछले चुनाव में। नहीं, एकदम गलत बात है। अच्छा अतुल, सुभाष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। जी सुभाष बोलिए। हाँ जी, आज जो रोड शो हुआ उसमें तो हम देखे हैं, अगर कॉलेज के अंदर से पत्थर आते हैं, क्यों, किसने प्लान किया? ये तो टीएमसी वाले ने प्लान किया, और वो कॉलेज के अंदर जो स्टैचू है वो स्टैचू लोहे के गेट के अंदर, उसके बाद एक वुडन दरवाजा है, कैसे तोड़ गया, कौन ये दर्जा खोला, इसके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो 24 घंटा हो गया, क्यों नहीं होता? उसके अंदर सीसीटीवी है, प्लानिंग करके दूसरे के ऊपर जो दोष डालने के लिए प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग नहीं चलेगा। जनता समझिएगा, दंगा करने के लिए सांप्रदायिक दंगा लगाने के लिए कोशिश निर्माण किया ना, जिसका दोष दूसरे पार्टी के ऊपर देना, ये तो सांप्रदायिकता का जो है, ये तो टीएमसी का बराबरी है।
राजनीति करते हैं और जिन जो भी राजनीति करते हैं उनको टॉलरेट नहीं करते, दे आर इंटॉलरेंट इंटॉलरेंट इंटॉलरेंट, दे आर नॉट गिविंग परमिशन टू विशेषतः स्पेशली टू बीजेपी। अमित शाह की मीटिंग, मोदी जी का मीटिंग अब नहीं करने दिया, तो कितनी कोशिश के अंदर 24 घंटे 36 घंटे के अंदर। इसी सवाल का जवाब सोहराब साहब से ले लेते हैं। सोहराब साहब, अमित शाह अगर सभा करते हैं बंगाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सभा करते हैं बंगाल में, योगी आदित्यनाथ अगर सभा करते हैं, तो उससे आपको क्या एतराज है, क्या कोई डर है? कोई एतराज नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये सभा किया आज, आज सभा किया उन्होंने, अमित शाह ने सभा किया, नरेंद्र मोदी ने सभा किया, सब लोग तो सभा कर रहे हैं, इसमें तो एतराज नहीं है। किसको एतराज हो सकता है? डेमोक्रेसी है, एतराज किसको होगा? सबको हक है करने का, मंच अपना खुद तोड़ते हैं ये लोग, खुद इल्जाम लगाते हैं। चलिए बिल्कुल, यानी कि आप अभी भी अपनी बातों पर टिके हुए हैं। दिलीप यशवर्धन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है यशवर्धन साहब आपका। रक्त रंजित होती राजनीति की बात हो रही है, टीएमसी की प्रतिक्रिया अभी हम ले रहे थे, उनका आरोप है कि भाई जो करवा रही है बीजेपी करवा रही है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के धूमिल तो लोकतंत्र हो रहा है और लोकतंत्र की ये परंपरा हो रही है, क्या कहेंगे यशवर्धन साहब? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दंगा बीजेपी करा रही है या टीएमसी करा रही है, लेकिन धूमिल जो है वो हमारे लोकतंत्र हो रहा है। दूसरा, टीएमसी अपना बयान को पहले एस्टेब्लिश कर ले, क्योंकि अक्सर वो कहती है कि जब सेंट्रल की बात आती है तो सीबीआई सेंट्रल के इशारे पे चलती है जी। अगर ये बात सत्य है तो फिर स्टेट की पुलिस स्टेट हेड के इशारे पे चलती है, तो वहां पे सेंट्रल का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ये दंगा वहां बीजेपी करा रही है, इनके पास पूरी पावर है, रोके उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये नहीं रोक पा रहे इसका मतलब है कि दंगा टीएमसी करा रही है, और टीएमसी ने अगर पश्चिम बंगाल में बहुत सालों तक राज किया है, अगर उनको ये विश्वास है कि उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया है, तो वो जनता के ऊपर छोड़ दें, क्यों रैली को रोक रहे हैं? बिल्कुल, क्या रैली करने से उनकी सीट चली जा रही है ऐसा उनको लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया है जी। बाकी आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात हो रही है, हाँ, और डेमोक्रेसी बचाने की बात हो रही है, आप डेमोक्रेसी बचाने में, डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, आप हम भारत के लोगों को लड़वा दे रहे हैं, आप वहाँ के शिक्षण संस्थान में शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय वहाँ पर आप गुंडागर्दी। चलिए इन्हीं यशवर्धन साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, इन्हीं पॉइंट्स का जवाब सोहराब जी टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे ले लेते हैं। सोहराब साहब, आपने दिलीप यशवर्धन जी को सुना, कुछ सवाल उठाए उन्होंने, जवाब क्या क्या बोले वो? उन्होंने साफ साफ बोला कि आप डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र को आप लोग धूमिल कर रहे हैं। पहला, हम लोग क्यों करेंगे? ये बीजेपी कर रही है। सवाल सुन लीजिए बीजेपी का, देखिए बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कोई जमीन नहीं है, जिसकी वजह से वो तो फिर आप उनको सभा करने दीजिए ना, सभा में तोड़फोड़ क्यों करते हैं, सभा से ऐतराज क्यों है आपको? अरे सभा हम लोग क्यों कर रोकने जाएंगे? ये इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेते हैं, ये परमिशन लेके सभा करते हैं, इनको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? डिस्टर्ब कौन कर रहा है इनको? अगर इलेक्शन कमीशन बोलता कि टीएमसी डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग उसका जवाब देंगे? तो इलेक्शन कमीशन बोले, मैं सवाल ये है कि अगर आज नहीं, मैं पूछता हूँ कि परमिशन कौन देता है? परमिशन इलेक्शन कमीशन देता है सभा करने का परमिशन। जब मंच तोड़ने के लिए टीएमसी कार्यकर्ता क्यों जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के लोग जाए ना? बिल्कुल नहीं, मंच तोड़ा है। मंच तोड़ने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता क्यों जाते हैं? बिल्कुल, अमित शाह की रैली को रोकने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता क्यों जाते हैं? बीजेपी खुद ये गंदा काम करता है, गंदा काम खुद बीजेपी करता है, बीजेपी का जमीन नहीं है बंगाल। अच्छा, हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत भी क्या इलेक्शन कमीशन देती है या राज्य सरकार देती है? आप तो हेलीकॉप्टर भी उतारने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हेलो जी, बोलिए। हेलीकॉप्टर का इजाजत नहीं देते हैं, उसका वजह तो जानना पड़ेगा ना आपको। बताइए ना, वही वजह जानने के लिए तो बैठे हैं, बताइए। इसलिए तो नहीं दिया जाता है, हेलीकॉप्टर उतारने का इजाजत नहीं दिया जा रहा है, उसका वजह होगा ना, वजह तो आपको जानना पड़ेगा ना। चलिए,
बीजेपी जब से पश्चिम बंगाल में नजर रखा, इन लोगों का टारगेट है पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब किया। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक आप सोच भी लीजिए कि हेलीकॉप्टर उतारने की आपने इजाजत क्यों नहीं दी थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रही थी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक यशवर्धन साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता और टीएमसी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम सोहराब साहब के साथ चर्चा कर रहे थे कि आखिर कौन सा डर है जो बीजेपी नेताओं को वहां रैली नहीं करने दे रहा है, आखिर टीएमसी को वो कौन सा डर सता रहा है। बहरहाल बीजेपी के नेता हमारे साथ सुभाष सरकार जी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, अभी सोहराब जी को भी सुना हमने और अभी हमने यशवर्धन जी को भी सुना। जो आंसर दिया है वो गलत आंसर, गलत बताते हैं जो सारे इलेक्शन कमीशन परमिशन देता। डीएमएससी कौन है? डीएमएससी किसके द्वारा प्रभावित होता है? वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रभावित है। इलेक्शन कमीशन ऊपर में है लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद तो डीएमएससी नहीं, वो तो सुनते नहीं, वो तो अपने हिसाब से सब सभी परमिशन कट देता है। बांकुड़ा में अब जानते हैं परमिशन दे दिया, उसके बाद क्या लैंड के कैरेक्टर बदल दिया, 24 घंटे के अंदर लैंड के कैरेक्टर बदल दिया, उसमें फ्रूट्स होता है, उसमें गार्डन होता है, रोज गार्डन, ये कैसे हो गया? हम लोग वीडियो करके दिखा दिया। ये सारे चलते हैं, इसका डर क्या हो? डर जनता के डर है उनके पास, जनता उसके विरुद्ध में चल गया ये तो उसको पता है, और इसी के कारण वो सारे बीजेपी को रैली सभा सब रोक देते हैं। दिलीप जितने लोग यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिलीप जी बीजेपी को भी सुना हमने और टीएमसी को भी सुना, आरोप और प्रत्यारोप लगातार चल रहा है, लेकिन इस तमाम चुनाव जो चल रहा है, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में शुरुआत तो हुई थी विकास को लेकर के कि विकास आएगा विकास नहीं आएगा, लेकिन आज वो विकास कहीं गुम हो गया है। आखिर कहां गुम हो गया वो विकास? विकास जो है अगर आप की नजर से देखेंगे तो विकास इतिहास के पन्नों में खो गया है जी। मेरा ये कहना है कि विकास को लेकर के हमने भाजपा को वोट दिया था और भाजपा की सरकार इस देश में बनाई गई थी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ और सत्ता पार्टी कह रही है कि हमने 5 सालों में भारत का भविष्य बदल दिया। मैं अपनी नजर से इन दोनों की स्टेटमेंट को ढूंढ जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि आजादी से लेकर के आज तक आज इस देश में जो भी डेवलपमेंट है या जो खराबियां हैं वो इन 5 सालों की नहीं है। अगर डेवलपमेंट हुआ है तो इसमें पिछली सरकारों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, अगर खराबियां हैं तो उसमें भी पिछली सरकारों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और इस सच्चाई को उन सरकारों को कबूलना पड़ेगा। किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सारी समस्याएं आज की नहीं है, ये समस्याएं पिछले आजादी से लेकर 1947 से लेकर के अब तक चली आ रही है। और आपको याद होगा कि 70 के दशक में इंदिरा जी के प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी तो एक ही नारा इंदिरा जी ने दिया था कि गरीबी हटाओ। उस गरीबी हटाओ के नारे पे इंदिरा जी की सरकार प्रचंड बहुमत से आई थी लेकिन गरीबी आज तक नहीं हट पाई, और आज राहुल जी और प्रियंका जी उसी गरीबी को हटाने की फिर से बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में रहते तो इन मुद्दों को कहां चले जाते हैं, कहां भूल जाते हैं ये लोग? यही बातें पहले भाजपा क्या करती थी, कांग्रेस सत्ता में थी, आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तो वही बातें कर रही है। ये सिर्फ बातें करने के लिए कुछ मुद्दों को छोड़ा जाता है, राजनीतिक पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। और मैं ये कहता हूं कि ये जो जनता से आप टैक्स लेते हैं, टैक्स के रूप में लेकर के आप फ्री बांटने की पॉलिसी चलाते हैं, कर्जा माफी की पॉलिसी चलाते हैं, इस पैसे को कभी अपने पार्टी फंड से खर्चा करके देखिए तो आपको पता चलेगा कितना दर्द होता है, क्योंकि ये पैसा जनता का, इसलिए आपको दर्द नहीं हो रहा कि आप 6,000 महीना दे रहे हैं, आप 72,000 की स्कीम दे रहे हैं, उन्होंने वो फ्री कर दिया, उन्होंने वो फ्री कर दिया, अरे हमारा पैसा लेके हमी को फ्री बांट के हमी को क्यों बेवकूफ बनाते हैं आप लोग? लेकिन ये बातें जनता को समझनी होगी, जनता को फ्री लेने की आदत छोड़नी होगी, डेवलपमेंट तब होगा। क्योंकि हम जो डेवलपमेंट की बात करते हैं और एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तरफ हम फ्री लेने की बात करते हैं, तो दोनों साथ नहीं चल पाएंगी जी। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी, सुभाष जी इसी 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 सवाल का, इसी सवाल का जवाब सुभाष जी आपसे भी लेना चाहेंगे कि बंगाल की तमाम रैलियां हमने देखी बीजेपी की तरफ से, लेकिन विकास की बात कहीं भी नहीं थी। वहां पर लगातार फोकस टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी पर था, तो विकास आखिर जिस विकास की बात प्रधानमंत्री करते थे अब वो क्यों नहीं? विकास की बात हम सारे बोल चुके हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने जैसे बंगाल में काम किया, जैसे बंगाल की जनता के ऊपर अत्याचार किया, हमको बोलना पड़ेगा क्यों? तृणमूल हमारे प्राइमरी हमारे फाइटर है जी। तो इसके कारण तृणमूल जो किया इसका तो हमको बोलना चाहिए, और सार्वजनिक रूप से रैली में क्या बताते हैं वो तो सारे भी हम बताएं।
जैसे हमारे कार्यकर्ता है, कितने शौचालय हुआ, कितने आवासन हुआ, रोड कितने बने, ये सब कुछ हम लोग बताया बताते प्रधानमंत्री जी और अमित भाई ने करना चाहिए। उन्होंने जो किया बंगाल के लोगों के साथ, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह बताएंगे ये शौचालय बनाएंगे, इतने आवासन बनाएंगे, ये उनका मुख से आप सुनना चाहते हैं। उसी सभा में जितने हम लोग बोलते हैं जो पार्ट पार्ट करके हम ये बताएं, आपने मीडिया लोगों के नहीं दिखाया तो इसका नहीं है, जनता के पास सारे बढ़ता सारे न्यूज हम लोग भेज दिया। चलिए चलिए बिल्कुल सुभाष जी, कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। चरण सिंह जी आप बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। चर्चा हो रही है राजनीति के रक्त चरित्र पर टीएमसी को लेकर के, टीएमसी से हमारे साथ सोहराब साहब जुड़े हुए हैं, सुभाष जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बीजेपी से। चर्चा है कि राजनीति का रक्त चरित्र जो नजर आ रहा है, चाहे बंगाल की बात करें चाहे कहीं और की भी बात करें, पिछले दो दिनों से जो बंगाल में घटित हो रहा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर राजनीति इतनी रक्तरंजित क्यों होती जा रही है? चरण सिंह साहब आवाज सुन सकते हैं मेरी? हेलो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बोलिए। सवाल यह है कि जो पिछले दो दिनों से बंगाल में चल रहा है, राजनीति रक्तरंजित होती जा रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? भाई इसका जिम्मेदार तो मेरे ख्याल से, देखिए लोकतंत्र का जो ये पर्व चल रहा है इसके अंदर हम हिंसा को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा स्पष्ट व्यू है। और जो लोग भी इस तरह तो की हिंसा में हिंसा की अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो आप टीएमसी की आलोचना करते हैं इस हिंसा के लिए, ममता बनर्जी की आलोचना करते हैं इस हिंसा के लिए? नहीं तो ये किसने सिद्ध कर दिया? अभी आपने निर्णय ले लिया क्या टीवी चैनल पर? ये मैं वही आगे कहने जा रहा था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसमें भाजपा के लोग थे या टीएमसी के लोग थे, ये दोनों तरफ के लोग थे या एक तरफ के थे या तीसरे ही कोई थे जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं और जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में दखल अंदाजी करी है, उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आप कल की बात सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं बाबुल सुप्रियो पर जो हमला होता है, योगी आदित्यनाथ को जो रैली करने की इजाजत नहीं मिलती है, या मुर्शिदाबाद में जो हुआ, इन तमाम चीजों में तो साफ साफ नजर आया कि भाई वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता थे। तो क्या आप इस हिंसा की निंदा करते हैं? क्या अगर टीएमसी इस हिंसा में शामिल है तो क्या आप टीएमसी की निंदा करेंगे? देखिए टीएमसी हो या कोई भी हो, लोकतंत्र के पर्व में जो भी दखलंदाजी करेगा, हिंसा करेगा, आगजनी करेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी रहती है। तो आप इसकी निंदा करते हैं। बहरहाल हम सवाल यही है हमारा, जो चर्चा चल रही है वो यही चल रही है कि आखिर राजनीति रक्तरंजित तो हो रही है, तो आखिर ये क्यों हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? छोटा सा सवाल और इसका छोटा सा जवाब, चरण सिंह साहब। देखिए ये सब एजेंसियां तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा कि रक्त रंगित कौन कर रहा है इसको, और इसके लिए इसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल यानी जांच के बाद जो सामने आएगा उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा की इसके लिए। और साथ में हाँ, जो राजनीति रक्तरंजित हो रही है, जाहिर सी बात है ये धब्बा लोकतंत्र पर है, तो कुछ भी हो लेकिन लोकतंत्र और ये देश मजबूत बना रहना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, नमस्कार।